हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमेध लाइश्रम है और मैं इम्फाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक कस्टमर बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। हमारा काम है कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना या नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। हम छोटे बड़े हर तरह के प्रोजेक्ट लेते हैं और धीरे धीरे हमारी कंपनी बड़ी होती जा रही है। यहाँ पर ज़्यादा शहर नहीं है लेकिन धीरे धीरे बड़े कस्बे शहरों में तब्दील हो रहे हैं। छोटे घरों से लेकर बड़ी इमारतें, जंगलों के बीच बने हुए फार्म हाउस से लेकर वहां पर बन रही नई इमारतें, हम हर तरह का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है यहाँ जमीन थोड़ी सी नरम रहती है। आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर जमीन का निरीक्षण करना पड़ता है और ये मेरा काम होता है। हमारे यहाँ लगभग 50 से 60 लोगों की टीम है। हर किसी का अपना अलग काम होता है। कभी कभी हमें मिलजुल कर काम करना पड़ता है। कोई मेरा काम कर लेता है तो मैं उसका काम कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे कई अच्छे दोस्त बन चुके हैं और सबसे अच्छा दोस्त है राघव। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। कभी कभी हम इकट्ठे ही नई कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, वहां पर काफी एंजॉय करते हैं और अकेलेपन का कभी एहसास नहीं होता। अगर कोई दोस्त आपके साथ कहीं खाली जगह पर भी जा रहा हो तो ये पिकनिक की तरह ही तो हो जाता है। वहां पर आप बातें कर सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं, इसी के साथ काम भी होता ही रहता है और तनख्वाह मिलती है वो बोनस की तरह ही तो लगती है। हमें कभी कभी ऑफिस में बैठने का मौका तक नहीं मिलता, बाहर निकलकर हमेशा ज्यादा काम रहता ही है। कभी कभी छोटे घरों का प्रोजेक्ट मिल जाना भी हमारी कंपनी के लिए अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे सीजन आते हैं जब कोई काम नहीं होता तो छोटे घरों की कंस्ट्रक्शन से भी हम काफी पैसे कमा लेते हैं। जब भी वो कंस्ट्रक्शन खत्म होती है हमें अलग से बोनस मिलता है। इस बार हमारे बॉस ने राघव को अकेले ही जंगल के बीच में बने उस गांव में कंस्ट्रक्शन की जमीन को देखने के लिए भेजा था। मैं कहता रहा था कि मैं भी राघव के साथ जाना चाहता हूं। उसे अकेले वहां भेजना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए और भी कई काम थे जिसमें मैं व्यस्त रहने वाला था। लगभग 4 साल पहले भी यहां से हमें एक कंस्ट्रक्शन वर्क मिला था। उसे हमारी कंपनी पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि सही तरह से वो काम हो नहीं पाया था। हमारे बॉस को अब भी उस प्रोजेक्ट पर गुस्सा था। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था लेकिन हमारे हाथ से निकल गया और जो मालिक था उस जमीन का उसने वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाई ही नहीं, उसे टाल दिया। अब 4 साल बाद वो दोबारा वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता था और ये मौका दोबारा हमारी कंपनी को ही मिला था। तो बॉस ने कहा था राघव वहां पर जाएगा, जमीन को अच्छी तरह से देखेगा, ब्लूप्रिंट तैयार करवाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। ये काम काफी बड़ा होने वाला था और राघव को इसमें बहुत सारा बोनस मिलता, इसीलिए वो अकेले भी जाना चाहता था। बार बार मुझे चिढ़ाता हुआ वो उस तरफ निकल पड़ा था और मुझे थोड़ा गुस्सा था। उसने अकेले ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, जरूर चापलूसी की होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में जब पार्टी करेगा तो पूरा हिसाब कर लूंगा इसका। उस गांव में कई बड़े बड़े जमींदार हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। जंगल का कई इलाका उनके अधीन आता है और वहां पर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। वो बड़ी फैक्ट्रियां बनाकर हमारे इस राज्य का भी बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं, इसीलिए हमारी कंपनी भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी और प्रोजेक्ट्स को थोड़ा लटका कर इसे पहले कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी कंपनी ने यही सोचा हुआ था। लगभग 3 दिन तक राघव वहां पर रहा और 4थे दिन वो दोबारा ऑफिस आ गया, लेकिन उसका स्वभाव बदला बदला सा लग रहा था। ऑफिस में वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस अपने डेस्क पर जाता, बैठकर फाइल्स को देखने लगता। कभी कभी मैंने ध्यान दिया उसने फाइल उल्टी पकड़ी हुई होती, वो दिखावा कर रहा था उसे पढ़ने का, असल में उसका ध्यान किसी और तरफ ही था। पूरा दिन उसने मुझसे बात नहीं की। मेरा काम भी ज़्यादा था, मैं उसके करीब से निकलता, उसे बुलाने की कोशिश करता, लेकिन उसका ध्यान फाइल की तरफ ही होता। मैंने सोचा था शाम को उससे बात करूँगा, उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा जिस कारण वो इस तरह से सदमे में बैठा हुआ लग रहा था। शाम के वक्त
मैं काम से थोड़ा फ्री हो गया था। मैंने सोचा अब राघव के पास जाकर बात करता हूँ। मैं राघव के पास गया, उसका उड़ा हुआ चेहरा देखा और मैं उससे बात करने लगा। मैंने कहा, वहाँ पर क्या क्या हुआ, तू आके चुप ही बैठ गया? तो वो मुझे कहने लगा, कुछ नहीं, वो काम मैं कर नहीं पाया। बस इतना कहा उसने। मैंने पूछा, काम कर नहीं पाया? क्यों नहीं कर पाए? इतना आसान तो काम था, वहाँ पर बस चेकिंग ही तो करनी थी, तुमने 3 दिन लगा दिए फिर भी कर नहीं पाए। तो वो कहने लगा, मैं कर नहीं पाया। बस इतने ही शब्द कहे जा रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। धीरे धीरे मैं उससे हंसी मजाक की बातें करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो मुस्कान आ रही थी ना उदासी आ रही थी। तो मैंने कहा, तू इस तरह से आज उदास क्यों लग रहा है, हंस क्यों नहीं रहा? तो वो कहने लगा, तो मुझे मुस्कुराना चाहिए? हाँ, तू चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखता है ना, आज मुस्कुरा क्यों नहीं रहा? मैंने ये कहा था, उसने चेहरे पर मुस्कान ला दी। देखने में यह साफ नकली सी मुस्कान लग रही थी, लेकिन लगातार बस वो मुस्कुराता ही जा रहा था। वो बातें भी बहुत अजीब तरह से कर रहा था, जैसे वो बिल्कुल सन्नसा हो चुका हो। तभी मैंने कहा, कोई नशा वशा तो नहीं किया ना तूने? आज मुझे लग रहा है तूने जैसे कोई नशा किया हो, तू सुन्न सा हुआ पड़ा है। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बस खाना खाकर आया हूँ घर से, और तो कुछ नहीं किया। मैं लगभग आधा घंटा उससे बात करता रहा था, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। वो कभी भी इस तरह से सन्न होकर नहीं बैठता, हमेशा मजाक करता रहता है। खुश दिल इंसान था वो, लेकिन आज वो एक तरह से बैठा हुआ था, जैसे हाव भाव कहीं गुम ही हो गए हों। मैंने बॉस को ये बात बताई, बॉस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। 3 दिन काम करके आया और प्रोजेक्ट को पूरा भी नहीं किया। उन्होंने बहुत चिल्लाया था उस पर, मैं साथ में खड़ा था। मैं हमेशा जानता हूँ कि राघव किस तरह से वापस जवाब देता है। हमेशा जब भी उसे कोई कोसता है, डांटता है, वो उसे सहन नहीं होता, वो पलटकर ज़रूर जवाब देता है। लेकिन आज वहाँ पर वो सन्न खड़ा था, उस पर बॉस गालियाँ दिए जा रहा था, वो कोई जवाब नहीं कर रहा था। वो तो रिएक्ट तक नहीं कर रहा था, चेहरे के हाव भाव उड़ चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद उसे वापस अपने कैबिन में भेज दिया गया। मैं उसके पास गया, उससे पूछने लगा, क्या तुझे ज़्यादा बुरा लगा, तेरे हाव भाव बिल्कुल उड़े हुए हैं? तो वो कहने लगा, तूने कहा था ना मुस्कुराते रहना, तो मैं चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा था, मेरा ध्यान उस पर था। तो मैंने कहा, पागल है क्या, अगर मैं तुझे कहूँगा अपने मुँह पर झांपड़ लगा, तू लगाएगा? मैंने बस ये कहा था और उसने अपने मुँह पर झांपड़ लगा दिया। मैं हैरान और परेशान था, राघव को हुआ क्या है, वो जैसे पागल हो चुका था। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, एक और झांपड़ लगा। उसने एक और झांपड़ लगाया और इस बार बहुत जोर से। पूरे ऑफिस में वो आवाज़ गूंज गई थी, हर कोई हमारे पास आकर ये पूछ रहा था, तो मैं लड़ाई चल रही है, कौन यहाँ पर झांपड़ लगाए जा रहा है? मैंने मजाक मजाक में बात बदल दी कि हम तो इस नोटबुक पर हाथ मार रहे थे। किसी को मैं ये बताना नहीं चाहता था कि राघव के साथ कुछ हुआ है, उस गांव में जाने के बाद कुछ तो हुआ है उसके पास। वो बस एक जगह टकटकी लगाए देखता रहता, उसे जैसे होश ही नहीं रहता। पूरा दिन वो काम नहीं कर पाता और इसकी सबसे ज़्यादा खुशी जितेंद्र को हो रही थी। जितेंद्र हमारे साथ ही काम करता था और उसका लक्ष्य था हमसे ऊपर निकल जाना। वो चाहता था कि जो प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं उसे मिले, ताकि वो ज़्यादा बोनस कमा पाए। वो हमसे बहुत ज़्यादा जलता था और आज बार बार आकर वो हम पर हंसी जा रहा था। बार बार हंसने के बावजूद भी मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन राघव के तो हाव भाव उड़ चुके थे, उसे जैसे होश ही ना हो, वो सन्न। मैं क्या करता, मैं जैसे अकेला पड़ चुका था और जितेंद्र बार बार आकर तंग करता रहता। उस शाम हमें खबर मिली थी उसी प्रोजेक्ट को दोबारा करने के लिए जितेंद्र वहां पर जाने वाला है। कल सुबह वो वहां से निकलेगा, 2 दिन में काम निपटाकर वापस आ जाएगा, और मुझे इसका बहुत बड़ा झटका लगा था। मुझे पहले महसूस हुआ था जैसे ये प्रोजेक्ट अगर दोबारा मिला तो मुझे मिलेगा, लेकिन ये जितेंद्र को मिल चुका था। मैं निराश हो चुका था, मैंने ये गुस्सा राघव पर निकाला, लेकिन राघव तो सन्न हुआ पड़ा था, वो इसी तरह घर को निकल चुका था।
उस रात मैं बहुत ज़्यादा दुखी और अगले दिन जितेंद्र उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उस गांव की तरफ निकल पड़ा। उसने दो दिन में शायद वो प्रोजेक्ट कर लिया था, तीसरे दिन सुबह वो ऑफिस में था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो प्रोजेक्ट पक्का ही पूरा करके आया होगा, तभी वो मेरे पास आएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा और ज़्यादा बोनस की बात करेगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन पूरा दिन बस वो अपने कैबिन में बैठा रहा, ना बाहर निकला ना बॉस के पास गया। उसने कोई रिपोर्ट सबमिट करवाई ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी। शाम होते होते मेरे मन में भी कई सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगा क्यों ना जितेंद्र के पास जाऊं, उस गांव के बारे में पूछूं, भले ही थोड़ा सा मजाक उड़ाएगा लेकिन जानकारी तो प्राप्त करूंगा राघव के साथ हुआ क्या है। लेकिन जितेंद्र के कैबिन में पहुंचते ही मैं हक्का बक्का रह चुका था। उसने फाइल उल्टी पकड़ी हुई थी, उसे पढ़ने का नाटक कर रहा था। बहुत समय तक वो ऐसा करता रहा। पहले तो मुझे लगा वो नकल कर रहा है राघव की, लेकिन नहीं, जब मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया वो भी सन्न पड़ा था। उसकी आंखें एक जगह पर टिक जाती, वो हिलती नहीं, वो किसी एक ही चीज़ को घूरता रहता। बहुत समय तक वो ऐसा करता रहा। उसके बाद मैं उससे सवाल करना शुरू कर गया, कैसा रहा प्रोजेक्ट, अच्छा रहा, जल्दी कर दिया तूने। उसने कहा, मैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। मैं हैरान परेशान उससे पूछने लगा, क्यों नहीं कर पाए, लेकिन तुम आज बदले बदले क्यों लग रहे हो, वहां पर कुछ हुआ क्या? उसने कहा, नहीं, बस मैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। उसका चेहरा भी बिल्कुल साधारण लग रहा था, कोई हाव भाव नहीं। एक दो बार मैं चिल्लाकर उससे सवाल करने लगा, लेकिन उसने ठंडे स्वभाव से ही जवाब दिया। वो भी राघव की तरह सन्न पड़ा हुआ था, जैसे कोई हाव भाव शरीर में हो ही ना। वो पलकें भी झपका ही नहीं रहा था, टकटकी लगाए बस सामने देखे जा रहा था। उसके बाद मैंने कई सवाल किए लेकिन उसके जवाब अजीब से। तो मैंने पूछा, तुम्हें पता है राघव भी कुछ अजीब सा लग रहा है, वहां पर होता क्या है, इस गांव में क्या घटना हो रही है जो लोगों को ऐसा कर रही है? इस सवाल के बाद जितेंद्र वहां बैठा हुआ मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। बस ये कहा और मैं उसके कैबिन से बाहर आ गया था। मुझे महसूस हुआ था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस गांव में जाने के बाद इसके हाव भाव भी बदल चुके हैं। जितेंद्र को भी बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया, बहुत गालियाँ दी। बाहर से मैं उसका चेहरा देख रहा था, बॉस बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था लेकिन जितेंद्र बिल्कुल ठंडा। वो तो कब से ये सोच रहा था कभी किसी के साथ लड़ाई हुई तो वो ये काम छोड़ देगा और अपनी कंपनी ही बना लेगा, लेकिन नहीं, इतनी गालियां खाने के बाद वो बिल्कुल सन्न खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में वो अपने कैबिन में आकर बैठ गया। छुट्टी का समय हो रहा था और मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, एक बार पता तो करूं। मैं जितेंद्र के कैबिन में गया, आज अजीब सी चीज कही। मैंने कहा, अपने चेहरे पर झांपड़ लगा जितेंद्र? उसने बिना सोचे अपने चेहरे पर झांपड़ लगा दिया। मैं हैरान और परेशान था। भले ही जितेंद्र मेरा दुश्मन नहीं था लेकिन मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था जो मेरे कहने पर अपने चेहरे पर झांपड़ लगा दे। इनके साथ कुछ तो हो रहा है उस गांव में जिसके बाद ये इस तरह से सन्न से हो जाते हैं, जैसे दिमाग ही घूम जाता है, जैसे ये अपने शरीर से बाहर निकल आते हैं और कोई और ही हमारे साथ यहाँ ऑफिस में पहुँच जाता है। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में लेकिन मैं जवाब कैसे ढूंढ पाता। एक पल के लिए सोचा मैंने उस गांव में जाकर देख कर आऊं क्या हुआ है, इन दोनों के साथ क्या हुआ है, जैसे इनके शरीर में कोई और ही हमारे यहाँ आ गया है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, मन की मुराद पूरी हो गई। वो प्रोजेक्ट मुझे थमा दिया गया था और उस जमीन का मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मुझे मेरे बॉस ने कह दिया था, अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए सबको निकाल दूंगा, सब निकम्मे हो गए हैं, वहाँ जाते हैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते, वहाँ पर कोई मैप तैयार करके आते ही नहीं, अगर तुम करके नहीं आए तो जो सैलरी रुकी हुई है वो मैं खा जाऊँगा, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तीसरी बार गलती मत करना, उस जमीन का मालिक गुस्सा है, वापस यहाँ से कोई चला जाता है और उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता, चाहे जो हो,
चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े, जितने दिन लगाने हैं लगा लेना, वहां पर ही रहना, जैसा वो मालिक कहता रहता है वैसा करते जाना, बस वापस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही आना, वरना सबको निकाल दूंगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि मैं उसी गांव में जा रहा हूं, दूसरी बात का गम था कि मुझे ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा करना होगा। अगर वहां पर कुछ अजीब हो रहा है तो मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना, पहले तो काम पूरा करना है। इसी के साथ साथ ये रहस्य अभी सुलझाना है कि मेरे दो साथियों के साथ हुआ क्या है। अगले दिन वहां पर जाने से पहले मैं डर रहा था, कहीं मेरे साथ भी वैसा तो नहीं हो जाएगा। एक पल के लिए मन में ख्याल आया, 4 साल पहले भी तो ये प्रोजेक्ट हमें मिला था, उस समय भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। जानू तो सही, उस समय ये प्रोजेक्ट किसने हाथ में लिया था, तब क्या हुआ था। मैं बॉस के पास पहुंच गया, मैंने जानकारी निकाल ली उस लड़के की जो 4 साल पहले इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उसी गांव में गया था, उसका फोन नंबर निकाल लिया, उसका पता निकाल लिया। मैंने बॉस को कहा था, ये कर नहीं पा रहे हैं, मुझे इनमें कुछ गड़बड़ लगती है, इनसे जानकारी लेना मेरा हक बनता है, कल सुबह मुझे उस गांव की तरफ तो निकलना ही है। बॉस मान गया था, फोन लगाकर मैं उस लड़के के घर पहुंच गया, वो भी इम्फाल में ही रहता था। मुझे 2 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी, वो शहर के बाहरी इलाके में रहता था, और वहां जाकर मैं उससे बातें करने लगा। पहले तो उसे खुशी हुई कि मैं इस कंपनी से आया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने बात उस प्रोजेक्ट की वो घबराने लगा था। वो बार बार इधर उधर झांके जा रहा था, बार बार अपने घर के पर्दे लगा देता, खिड़कियों की तरफ झांकने लगता, दरवाजे के नीचे की तरफ देखने लगता, दरवाजा खोलकर बाहर भी झांकने लगता, कोई उसे देख तो नहीं रहा। बार बार मुझे चुप करा देता कि उस घटना के बारे में इतने सवाल मत पूछो, जब मैं बताना चाहूंगा खुद बता दूंगा। कुछ समय इधर उधर की बातें करने के बाद वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, तब मैंने फिर से इसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरे 2 दोस्त जितेंद्र और राघव अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनका दिमाग सन्न हो चुका है। क्या होता है उस गांव में जो वहां जाकर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जाता? तो घबराते घबराते शब्दों में उस लड़की ने कहा, वहां पर कोई शक्ति मौजूद है, वहां पर जब हम रुकते हैं तो हमारे साथ अजीब घटनाएं होती हैं, मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया था, मैंने सुना है वहां पर आत्माओं को खाने वाला रहता है, कोई है जो आत्माओं को कैद कर लेता है, खुद में समा लेता है, और वहां जाकर जो भी वापिस आता है वो जिंदा लाश होता है, उसकी आत्मा नहीं होती, उसकी चेतना कैद हो चुकी होती है, इसलिए तुम जो कहोगे वो करेंगे। मैं कहने लगा था हाँ, मैंने झापड़ लगाने को कहा दोनों को, उन्होंने लगा दिया बिना सोचे। तो वो लड़का कहने लगा, झापड़ लगाने को कहा, तुम उनसे अपने सर पर गोली चलाने को कहते वो गोली चला देते, तुम उन्हें किसी ऊपरी बिल्डिंग से छलांग लगाने को कहते वो लगा देते, किसी गाड़ी के आगे आने को कहते वो कर देते, उनके साथ यही होता है, जो उन्हें कुछ गलत कह देगा वो वैसा कर लेंगे, वो जिंदा लाश बन चुके हैं बिना आत्मा की। मैं तुम्हें सलाह देता हूं उस गांव में मत जाना, मत जाना इस रहस्य को सुलझाने, वरना तुम भी वैसे ही बन जाओगे। तो मैंने उस लड़के से कहा, तुम तो वैसे नहीं लगते, तुम तो ठीक लगते हो, तुम भी वहां पर जाकर आए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वो फिर से खिड़कियों की तरफ दरवाजे की तरफ देखने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, वो बार बार छत की तरफ देखता, उसने हर छेद को कपड़े से बंद करना शुरू कर दिया था, कहीं से भी बाहर आवाज नहीं जा सके, वो इस तरह का माहौल बना रहा था, इसने मुझे और ज्यादा डरा दिया था। मैंने उससे कई बार सवाल किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ठीक कैसे हो? अंत में जब उसे मन में शांति महसूस हुई, चारों तरफ झांकने के बाद वो मुझे जवाब देने लगा, मैं वहां पर गया था उस जंगल में वो जानवर मैंने देखा भी था जो आत्माओं को खींचता है, मैं बस वहां से भाग आया था, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद तुम्हारे साथ ही उसकी जकड़ में आ गए और उसने तुम्हारे साथियों की रूह को कैद कर लिया, वो रूह उसके शरीर में ही होगी, और अगर तुम्हें अपने दोस्त बचाने हैं तो उसका शिकार करना होगा, लेकिन खतरा तो यही है, उस जानवर को कैसे मारना है, कैसे कैद करना है वो तुम्हें नहीं पता,
और वो तुम्हारी रूह को भी कैद कर लेगा। इतना बड़ा जोखिम तुम ले सकते हो? मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था और डर भी गया था, लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए हर कोशिश करने वाला था। वहां मैं जाने वाला था। मेरे पास इस नौकरी के सिवा कुछ नहीं है। मैं कोई नई नौकरी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई कंपनी शुरू कर पाऊं। मैं फिर से अर्श से फर्श पर आ जाऊंगा तो जाना तो मुझे होगा ही, भले ही मौत का खतरा ही क्यों ना हो। अगली सुबह मैं उसी गांव की तरफ निकल पड़ा था। उस लड़के ने ज्यादा बातें नहीं बताई थी। वो बार बार किसी से डरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जानवर उसे देख रहा हो। यहां शहर में भी वो इस तरह से डरा हुआ था, बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज मैं उस गांव में जाकर हर रहस्य से पर्दा उठा ही दूंगा। लगभग 4 घंटे लगे मुझे उस जंगल में पहुंचने में और 2.5 घंटे लगे उस गांव तक पहुंचने में। रास्ता बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। मुझे एक बार तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल ही करना पड़ा। वो गांव की तरफ जा रहे लोग मुझे उस बैलगाड़ी में बिठा कर वहां तक ले ही गए थे। जरूर बाद में वहां पर सड़कें बना दी जाएंगी जब वो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये कोई बड़ा जमींदार लगता है जो वहां पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, कई अलग अलग चीजों की फैक्ट्री, और उसे वो किराए पर देकर अच्छा पैसा कमाना चाहता है। वो कोई करोड़पति लगता है। मैं जब उस गांव तक पहुंचा तो टूटे फूटे से उन घरों को देखकर मन मेरा उदास सा हो गया था। यहां कोई अमीर भी रहता है? इन घरों को देखकर नहीं लगता इन लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं। इसे कस्बा क्यों कहा जाता है? ये तो छोटा सा गांव है। इस बात को गलत साबित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे जैसे उस गांव के मैं अंदर जाता गया, उस गांव को देख मैं हैरान होता रहा। बहुत बड़ा गांव था, शहर के बराबर। घर ही घर थे लेकिन कोई दुकान नहीं। पहले वाले घर थोड़े टूटे हुए थे। जैसे जैसे गांव के अंदर जाता रहा, अच्छे अच्छे घर देखने को मिले। शहरों से भी ज्यादा अच्छे घर थे। और बिल्कुल उसके पीछे सटी हुई वो बड़ी सी हवेली, इतनी बड़ी हवेली मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उस गांव के पीछे वाले इलाके में बड़े बड़े घर बने हुए थे जो अमीर लोगों के लग रहे थे। कुछ घरों में कांच की ऐसी खिड़कियां लगी हुई थीं जो मैंने कभी नहीं देखी। महंगी महंगी रेलिंग लगी हुई थी, लेकिन उस हवेली में बाहर की तरफ ही वो महंगी वाला झूमर लगा हुआ था जो 1.5 लाख से ज़्यादा महंगा है। मैं उस हवेली के अंदर जाकर बात करना चाहता था क्योंकि गांव में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता हो। उस हवेली में जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे बाहर एक बुजुर्ग आदमी मिला। वो मेरे पास आया, मैं उससे बात करने लगा और बातों बातों में उसने बता दिया कि ये प्रोजेक्ट वही लगाने वाला है। मैंने उससे हाथ मिलाया और उसे भी खुशी हुई कि मैं कंपनी की तरफ से आया हूं। लेकिन वो थोड़ा नाराज था। 2 लड़के आए थे तुम्हारे, वो जमीन को देखने गए लेकिन बाद में मुझसे मिले, अजीब सी हरकतें करने लगे। बाद में वो शहर ही चले गए, काम पूरा भी नहीं किया, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया मुझे, कोई प्रोजेक्ट की फाइल नहीं पकड़ाई, ऐसे ही चले गए। तुम तो काम पूरा करके जाओगे ना? अगर तीसरी बार गलती हुई तो मैं ये काम किसी और कंपनी को दे दूंगा। यार 4 साल पहले तुम्हारी कंपनी को दिया था, वो लड़का भी ऐसे ही भाग गया था। तुम करते क्या हो? तुम्हें काम चाहिए या नहीं? धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मैं भी शर्मिंदा था। अगर हमारी कंपनी से सच में कोई गलती हो जाए तो अपना चेहरा नीचे की तरफ ही रखना चाहिए, अपनी गलती मान ही लेनी चाहिए। मैं अपनी गलती मानता रहा, उसका गुस्सा ठंडा होता रहा। बाद में मुझे वो खुशी खुशी अपनी हवेली के अंदर ले गया। वो हवेली एक महल के बराबर थी। अंदर से सोने का काम हुआ हुआ था। उसके जो सोफे पड़े थे वो बहुत महंगे लेदर के लग रहे थे, और ये साधारण लेदर नहीं थे। उसने बातों बातों में बता भी दिया कि ये सोफे 25 लाख के हैं। काफी अमीर आदमी था, पुश्तैनी जमीन उनके पास है, जंगल में बड़ा इलाका उनके अधीन आता है। वो शहर में कई बड़ी फैक्ट्री लगा चुके हैं, लेकिन अब वो इस जंगल के अंदर फैक्ट्री लगाने चाहते हैं। मणिपुर में नई बड़ी फैक्ट्रीज लगाकर वो इस राज्य को बड़ा बनाना चाहते हैं। उनके इन विचारों को मैं भी सराहनीय मानता था, लेकिन जो रहस्य मेरे दोस्तों के साथ हुआ वो भी तो मुझे सुलझाना था। बातों बातों में मैं उनका नाम पूछना भूल गया। उन्होंने बताया, राजकुमार, तुम मुझे ठाकुर साहब कह सकते हो, यहां सभी मुझे यही कहते हैं। मैं ठाकुर साहब से बातें करता रहा, उनकी जानकारी पाता रहा, वो भी मेरे बारे में पूछते रहे। कल सुबह
मैं उस जमीन पर जाने वाला था और मुझे खुद ठाकुर साहब वहां पर लेकर जाने वाले थे, लेकिन आज कुछ सवाल थे जो मुझे पूछने थे। मैंने सीधा अपने दोस्त से ही शुरुआत की। राघव जो पहले आया था, आपने उससे बात तो की होगी? ठाकुर साहब ने कहा, हाँ बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ज़्यादा मजाक किया करता था। मुझे ज़्यादा मजाक पसंद नहीं, लेकिन यार वो काफ़ी ह्यूमरस था तो मुझे खुशी हुई वो मुझसे बातें करता रहा। मैंने कहा, जब वो जा रहा था आपने उसका स्वभाव देखा था कैसा था? ठाकुर साहब ने कहा, हाँ जब वो उस जमीन से वापिस आया स्वभाव बदला हुआ था, बात ही नहीं कर रहा था, सन्न सा चेहरा, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैंने कहा, हाँ यही जितेंद्र के साथ हुआ। जितेंद्र जो दूसरे नंबर पर आया था उसका स्वभाव काफ़ी बिगड़ैल सा है, वो गुस्सा करता है, लेकिन जब वो भी यहाँ से वापिस ऑफिस में आया वो भी सन्न। दोनों को हुआ क्या है मैं समझ नहीं पाया। तो ठाकुर साहब कुछ समय के लिए डर गए। क्या सच में तुम्हें लगता है दोनों का स्वभाव ऐसा हो गया है? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था, मुझे लगा तुम ऐसा ही करते हो, पहले पहले तो अच्छी तरह से बात करते हो, बाद में कस्टमर से बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं थे, अब तो ऑफिस में वो सन्न बैठे रहते हैं। ये बातें सुनकर ठाकुर साहब घबराने लगे थे, कहीं वो बातें सच ही तो नहीं। मैंने कहा, कौन सी बातें मुझे भी बताइए। तो ठाकुर साहब बताने लगे, सब कहते हैं कि इस जंगल में कोई जानवर रहता है, वो इंसानों की